जज लोया की मृत्यु का मामला फिर गर्माता दिख रहा है। एडवोकेट सतीश उके द्वारा आयोजित पत्र परिषद में दावा किया गया कि जज लोया की मृत्यु रवि भवन में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए एडवोकेट उके द्वारा कहा गया। सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए एडवोकेट उके ने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने जज लोया को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नागपुर में आमंत्रित किया था। इसके लिए पत्र भी जारी किया गया था। सरकार के बुलावे पर ही वे नागपुर आए थे, लेकिन मृत्यु के बाद सरकार का यह पत्र नष्ट कर दिया गया। बाद में कहानी रचकर बताया गया कि जज लोया किसी शादी के लिए नागपुर में आए। कार्यक्रम के बाद वे रवि भवन में रुके और वहां उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रवि भवन में जो 5 सूट आरक्षित किए थे, उसमें से सिर्फ 2 सूट नंबर 10 और 20 में 2 अलग अलग जज रुके थे। अन्य 3 सूट का आरक्षण रद्द कर दिया गया था। तो क्राइम रजिस्टर च्या कॉपीवर हे गुन्हा पुन्हा रिओपन झाला। आम्ही नवीन आयोगाचं नाव हे काहीही नोंद नव्हती। पहिलं फक्त बी फायनलच्या शेवटची एंट्री होती। मग मी त्यांना म्हटलं की याची केस डायरी कुठे आहे, ज्याचा गुन्हा जो आहे ते पेपर्स कुठे आहे। तर ते म्हणाले की आपल्या पोलीस स्टेशनला एकही पेपर अवेलेबल नाही। म्हणजे डेकॉटीच्या पेंडिंग गुन्ह्याचे, चालू असलेल्या गुन्ह्याचे पोलीस स्टेशनच्या रेकॉर्डवर एकही पेपर नाही। मग मी ताबडतोब ACP MIDC गेलो आणि माहितीच्या अधिकारात अर्ज घातला की मला याचे पेपर्स द्यावे। त्यांनी मला लेखी लिहून दिलं पोलीस निरीक्षकाकडनं बोलावून हिंगण्याच्या की पोलीस स्टेशनच्या अभिलेखावर एकही पेपर नाही। मग त्याच्यानंतर मी रोज पोलीस स्टेशन हिंगण्याला गेलो आणि त्यांना म्हटलं की ही डायरी गेली कुठे, या आयोगाचं नाव क्राईम रेकॉर्डवर का नाही आलं, हे हा गुन्हा रिओपन झाला हे का रेकॉर्डवर नाही आलं। तर त्यांनी म्हणाले की ओके साहेब, तुमचा काहीतरी गैरसमज असेल, असा कोणता गुन्हा रिओपन झाला नाही। माझ्याकडे CGM कोर्टाचे हे सर्व पेपर्स, 164 पेपर, IGना दिलेलं पत्र, IGचा आदेश, त्याच्यानंतर ह्या सर्व गोष्टी सर्टिफाईड फॉर्ममध्ये आहे। रवि भवन के तत्कालीन रिसेप्शनिस्ट तिलक नंदवेशन ने सदर पुलिस को दिए बयान में यह बात कही है। नंदवेशन ने यह भी कहा कि सुबह 7 से दोपहर 2:30 बजे तक कोई जज वहां नहीं आया था, लेकिन नंदवेशन का यह बयान भी सुप्रीम कोर्ट में रखा नहीं गया। एडवोकेट उके ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने षड्यंत्र रचकर यह पूरी कहानी रची। पुलिस ने वह फाइल जब्त भी नहीं की, उसे नष्ट कर दिया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।